A very good morning all of you. Myself Sanju Kavar. Students, आज के लेक्चर में हम टेलीकम्युनिकेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज टाइप्स ऑफ ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सचेंज क्या है. वॉट इज एन एक्सचेंज? स्टूडेंट्स, एक्सचेंज जो है बेसिकली एक स्विचिंग सिस्टम है. एक्सचेंज क्या है? एक स्विचिंग सिस्टम है, एक मेथड है कि किस तरह से आप स्विचिंग करते हैं कॉल्स की. जब आपके एक्सचेंज में कॉल्स आती है, इनकमिंग कॉल्स, आउटगोइंग कॉल्स, तो आप किस तरह से उनको, क्या हार्डवेयर लगा के उनको ट्रांसफर करते हैं. ठीक है, तो हमारा जो स्विचिंग सिस्टम है पूरा, वो डिवाइडेड है दो टाइप्स में. तो जैसा कि आपको डायग्राम दिख रहा है, क्लियर है? तो ऑटोमेटिक एक्सचेंज जो है वो दो टाइप्स में डिवाइडेड है, मैनुअल एंड ऑटोमेटिक एक्सचेंज. मैनुअल क्या? देखिए स्टूडेंट, जब टेलीकम्युनिकेशन का स्टार्टिंग में इन्वेंशन हुआ था, तो उस वक्त हमारे पास ऑटोमेटिक चीजें नहीं थी, ऑटोमेटिक डिवाइसेस नहीं थी. तो तब जो जितना भी काम हो रहा था वो सारा मैनुअल स्विचिंग के थ्रू हो रहा था. मैनुअल स्विचिंग को देखिए स्टूडेंट, आप इस तरह से समझिए क्या हो रहा है कि आपने कॉल किया एक्सचेंज में. ठीक है, एक यूजर है, उसने कॉल किया एक्सचेंज में, तो एक्सचेंज उसको ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं करके क्या कर रहा है कि वहां पर एक ऑपरेटर बैठा हुआ है. ठीक है, एक ह्यूमन मैन इन्वॉल्व है, वो ऑपरेटर आपके डायल नंबर को आगे ट्रांसफर करेगा कि आपको किसको कॉल लगाना है. आपने जो नंबर डायल किया था वो उसके पास है कि यहाँ से कॉल आई है, तो उसको पता है. वो क्या करेगा, आगे फोन लगाएगा, आगे नंबर प्रेस करेगा अपने हार्डवेयर पे और आपकी कॉल आगे जाएगी. जब आप बात कर लेंगे, तो सिर्फ बात करने से, आपके कॉल डिस्कनेक्ट करने से आपकी कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होगी, जब तक कि जो आपका ऑपरेटर है वो कॉल को टर्मिनेट नहीं करता. तो जो मैनुअल ऑपरेटर इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो क्या करेगा, आपकी कॉल को टर्मिनेट करेगा. उसने कॉल लगा कर दिया था, वही आपकी कॉल को टर्मिनेट करेगा. तो ये हो जाएगा स्टूडेंट आपका मैनुअल स्विचिंग सिस्टम. ठीक है, तो इसमें क्या है, मैनुअल स्विचिंग सिस्टम में प्रॉब्लम्स क्या है कि ह्यूमन की जरूरत है, ज्यादा कॉल्स आप एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि आप कितने ज्यादा लोगों को बिठाएंगे एक्सचेंज में. जितनी ज्यादा कॉल जाएगी एक टाइम पर, आपकी ज्यादा कॉल्स भी प्रोसेस नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें मैन इन्वॉल्व है, तो मैन की कैपेसिटी है, जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से वो काम करेगा. ठीक है, तो पहले हमारे पास डिवाइसेस नहीं थी, ऑटोमेटिक सिस्टम नहीं थे, तो हमें मैनुअल स्विचिंग सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती थी. ठीक है स्टूडेंट्स, अब सबसे बड़ा रेवोल्यूशन कब आया, जब हमारे पास ऑटोमेटिक चीजें इन्वेंट होने लगी. ठीक है, तो सेकंड टाइप ऑफ स्विचिंग सिस्टम जो है ऑटोमेटिक, जो आपका टॉपिक है ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज. ऑटोमेटिक टेलीफोन एक्सचेंज को फर्दर डिवाइड किया है आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक, दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ आपके ऑटोमेटिक सिस्टम्स को, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक. तो देखते हैं इलेक्ट्रोमैकेनिकल में क्या होता है. इलेक्ट्रोमैकेनिकल में बेसिकली कॉम्बिनेशन है, एक तरह का स्विचेस का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैकेनिकल स्विचेस भी है. यहाँ पे इसके अंदर हो रहा क्या है कि मैकेनिकल स्विचेस को आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर रहे हो, मैकेनिकल स्विचेस को आप इलेक्ट्रिकली ऑपरेट कर रहे हो. ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक में होता है कि आप डायोड्स, ट्रांजिस्टर एंड आईसीज, यानी कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है उनका यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक. ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक में किसकी हेल्प ली जाएगी, आपके डायोड, ट्रांजिस्टर, आईसीज, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है. ठीक है, तो अब इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचिंग सिस्टम को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं. इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रोमैकेनिकल को फर्दर आपने डिवाइड कर दिया दो टाइप्स में. जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस क्या होते हैं, यहाँ पर दोनों तरह के स्विचिंग का कॉम्बिनेशन है, मैकेनिकल भी है और इलेक्ट्रिकल भी है. तो आपके जो स्विचेस होंगे वो कैसे होंगे, मैकेनिकल स्विचेस होंगे. ठीक है, मैकेनिकल स्विचेस होंगे जिसके अंदर हार्डवेयर वेयर टीयर की प्रॉब्लम भी आ जाती है धीरे धीरे मैकेनिकल स्विचेस में. लेकिन देखिए इसमें क्या होता है, अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल स्विचेस में मैंने आपको बताया दो तरह के स्विचेस है हमारे पास. एक तो है स्ट्रोजर, स्ट्रोजर स्विच, सेकंड इज क्रॉसबार. स्ट्रोजर स्विच जो है इसका नाम इसके इन्वेंटर के पीछे पड़ा, स्ट्रोजर स्विच का. ठीक है, इसके अंदर इसको एक और नाम भी दिया.
दिया जाता है स्टेप बाय स्टेप स्विच। तो जब आप स्विचिंग करते हैं स्टेप बाय स्टेप स्विचिंग, इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपने कोई भी नंबर डायल किया है, सपोज आपका नंबर है 1 2 3 4, तो बहुत सारे वहाँ मैकेनिकल बटन्स होते हैं आप, और वो वहाँ पे बियरिंग्स मैकेनिकल पार्ट जितने भी हैं वो सारे रोल में आ जाते हैं आपके, उनकी हेल्प से हमारी स्विचिंग होती है। क्रॉस बार में थोड़ा चेंज हो जाता है पैटर्न। तो स्ट्रॉजर स्विच में जितना भी कंट्रोल फंक्शंस का काम हो रहा है वो स्विचिंग एलिमेंट्स के थ्रू हो रहा है, उसके अंदर कुछ सर्किट बनाए है और उन सर्किट्स के जो स्विचिंग एलिमेंट्स हैं उनके थ्रू आपके स्ट्रॉजर स्विच का काम हो रहा है, ठीक है। अब देखते हैं क्रॉस बार स्विच में क्या होता है। क्रॉस बार स्विच में बेसिकली हम रिले की हेल्प लेते हैं, रिले लैचेस, ये हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस हैं, इनको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हैं, ये हार्डवायर्ड कंट्रोल होते हैं, ठीक है। तो क्रॉस बार स्विचेस जो है आपके वो हार्डवायर्ड कंट्रोल होते हैं, इसमें आप रिलेस की हेल्प लेते हो, लैचेस की हेल्प लेते हो। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है स्टूडेंट्स, कि इनकी लिमिटेड कैपेबिलिटी होती है। एक बार आपने इनको डिजाइन कर दिया तो आप अगर कुछ और फंक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप इनको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल की बेसिकली प्रॉब्लम क्या है, कि आपने एक बार डिजाइन कर दिया, आपने बहुत मेहनत करके डिजाइनिंग कर दी एक बार, तो ऐसा नहीं होता है कि एक डिजाइन जो होती है वो आपके एक प्रोडक्ट ही बनता है। कोई भी आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो एक डिजाइन बनाते हैं तो उसके मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनते हैं, जब वो मशीन में जाती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए मल्टीपल, तो सारे एक्सचेंजेस के लिए एक जैसी चीज होती है। अब आप सोचिए इंडिया में कितने एक्सचेंज है, सब जगह आपने लगा दिया, एक फंक्शन आपको चेंज करना पड़ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारा हार्डवेयर चेंज करना पड़ेगा आपको सारे एक्सचेंज का। तो ये बहुत कॉस्टली पड़ता है हमारे, आपको सिर्फ एक फंक्शन आपको दिमाग में आया कि आज ये फंक्शन की जरूरत है मुझे, ये फंक्शन मुझे इसमें लगाना है, तो अब आप इसमें और चीजें पॉसिबल नहीं है। एक बार आपने जब इसको डिजाइन कर दिया तो इसमें फिर और चीजों का वापस दोबारा चेंज होना फंक्शंस का नॉट पॉसिबल, तो फिर ये लिमिटेड कैपेबिलिटी के साथ हो जाता है। तो हमें हमारा उस चीज पर हम जाएंगे, प्रेफरेंस उस चीज की रहेगी कि हमारी कैपेबिलिटी भी ज्यादा हो और फीचर्स भी ज्यादा हो। तो सेकेंड टाइप ऑफ ऑटोमेटिक एक्सचेंज इज इलेक्ट्रॉनिक, जो कि आज इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग यूज होती है, सबसे अच्छी है, बहुत फीचर्स इसके एडवांस होते हैं, इसमें जो चाहे चेंजेस हम कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम को SPC भी कहा जाता है, SPC इज स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग में बेसिकली जो जितना भी काम हो रहा है ना, ऑपरेशन जो है वो सारा एक प्रोसेसर के थ्रू हो रहा है, प्रोसेसर दैट इज अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या कर रहा है, वहां पे कंट्रोल कर रहा है आपके स्विचिंग टाइमिंग्स को। अब यहाँ पे जो भी काम हो रहा है आपका कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर की तो खुद की क्या बात है, खास बात है कि बहुत फास्ट काम करता है, डेटा बहुत स्टोर कर सकता है, तो फटाफट स्विचिंग होती रहती है। जैसे जैसे कॉल आते हैं फटाफट फटाफट लाइन्स फ्री होती है, उनको भेजता रहता है आगे, और इधर से तो ट्रांसफर भी करना पॉसिबल फास्ट हो जाता है, मैन इन्वॉल्व नहीं है तो ऑटोमेटिक काम है। कंप्यूटर बताता रहता है कौन सी लाइन्स फ्री है, डिस्प्ले करता रहता है ये फ्री है, तो फटाफट उनको एलोकेशन होता रहता है। तो जो भी काम हो रहा है ऑपरेशन आपके एक प्रोसेसर की हेल्प से हो रहा है, और प्रोसेसर आपका स्विचिंग टाइमिंग्स को कंट्रोल कर रहा है। अब आप बेसिकली क्या करते हैं, देखिए इसमें आपके पास एक कंप्यूटर, जस्ट एक कंप्यूटर में एग्जांपल ले रही हूँ, एक कंप्यूटर नहीं होता एक्सचेंज में, तो वहां पर आपने इंस्ट्रक्शंस को प्रोग्राम कर दिया। कंप्यूटर इज बेसिकली क्या, प्रोग्रामिंग करते हो आप, उसमें जो भी काम करवाना उसके हिसाब से प्रोग्रामिंग करते हो आपने उसको प्रोग्राम करके स्टोर कर दिया आपके कंप्यूटर पर। अब वो ऑटोमेटिकली ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगा जैसा कि आपने प्रोग्राम दिया था, कि 100 लाइनें आए 10 अगर खाली है तो 10 को ट्रांसफर करो 10 को इधर करो, जो भी जैसा भी आपको कोड बनाना आपने बना दिया कंप्यूटर में फिट कर दिया उसके हिसाब से वो काम करेगा। तो ये जो मेथड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, आपके कंप्यूटर पे प्रोग्राम्स स्टोर कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। इस मेथड जिसके अंदर हम प्रोग्राम्स को स्टोर कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं स्टोर्ड प्रोग्राम कंट्रोल। अब इसके एडवांटेजेस क्या है स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग के एडवांटेजेस ये हैं कि आप इसमें न्यू फैसिलिटी ऐड कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपके प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है, वो सॉफ्ट कॉपी में चेंज हो जाएगा, प्रोग्राम को मॉडिफाई करना है और आप इसमें चाहे जितनी फैसिलिटीज ऐड कर सकते हैं।
तो आपको यहाँ पे हार्डवेयर को चेंज करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप चाहें आपके सॉफ्टवेयर में चेंज करके आप नई फैसिलिटीज इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है इसका, क्या फैसिलिटीज इसमें ऐड करना बहुत ही आसान हो जाता है। प्रोग्रामिंग के थ्रू काम हो रहा है इसलिए ये सब एडिशन आसानी से हो पा रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग सिस्टम को फर्दर डिवाइड किया है दो टाइप्स में, स्पेस डिविजन स्विचिंग, टाइम डिविजन स्विचिंग। तो हम समझते हैं स्पेस डिविजन स्विचिंग और टाइम डिविजन स्विचिंग क्या है। स्पेस डिविजन स्विचिंग क्या है, देखिए एक यूजर ने कॉल किया दूसरे यूजर को, तो आपके कंप्यूटर ने क्या किया, जैसे यूजर कॉल करता है तो उसका कॉल स्टेबल एक्सचेंज में आता है, उसने उसको एक कंप्लीट पाथ डेडिकेट कर दिया कि जब तक वो अपना कॉल टर्मिनेट नहीं करता है खुद से तब तक वो लाइन उसको डेडिकेट करती, उसको पाथ एक फिक्स कर दिया, यानी उसको फिक्स पाथ दे दिया, जब तक वो कॉल अपना टर्मिनेट नहीं करेगा वो लाइन उसने होल्ड कर ली। ठीक है, तो एक रिसोर्स उसने एंटायर ले लिया, इसको हम बोलते हैं स्पेस डिविजन स्विचिंग। ठीक है, तो पूरी स्पेस जो है स्पेस डिविजन स्विचिंग, बेसिकली पूरी स्पेस आपने जो एक यूजर को चाहिए थी दूसरे यूजर से बात करने के लिए आपने उसको डेडिकेट कर दी, मतलब एक फिक्स पाथ आपने कॉलिंग और कॉल सब्सक्राइबर के बीच में डेडिकेट कर दिया जब तक कि वो कॉल टर्मिनेट नहीं करता। ठीक है, सेकेंड इज टाइम डिविजन स्विचिंग। पहला था स्पेस डिविजन जिसमें आपका फिक्स पाथ डेडिकेट था, अब है टाइम डिविजन स्विचिंग। टाइम डिविजन स्विचिंग में स्टूडेंट्स क्या होता है, देखिए आप फिक्स पाथ एस्टेब्लिश नहीं करते हैं और क्या करते हैं, स्पीच सिग्नल के सैंपल्ड वैल्यूज को फिक्स इंटरवल पे भेजते हैं, फिक्स इंटरवल पे, यानी कि कुछ कुछ टाइम ड्यूरेशन से आप जो आपकी स्पीच सिग्नल है, स्पीच सिग्नल को अब हम सैंपलिंग कर रहे हैं, सैंपलिंग यानी आपको सैंपलिंग आप पढ़ेंगे, आपके कम्युनिकेशन में आपने पढ़ा होगा सैंपलिंग क्या होता है, स्पीच को, स्पीच इज एनालॉग, उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए सैम्पलिंग मॉड्यूलेशन PCM ये सब चीजें यूज होती है। तो उसके सैंपल हम लेके उसको फिक्स इंटरवल पे भेजते हैं, उसका फायदा क्या है कि पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको डेटा भेजने की जरूरत नहीं है, कुछ कुछ टाइम में भेजेंगे तब भी आपका काम हो रहा है, तो आपकी लाइन जो है वो एक यूजर ने ऑक्यूपाई नहीं की है, अब आप उसको अलग अलग यूजर्स को कुछ कुछ टाइम से दे सकते हैं। तो ये हमारे लिए टाइम डिविजन स्विचिंग ज्यादा एडवांटेजेबल होती है, क्योंकि इसमें आपके जो टाइम टाइम अलॉटमेंट किया गया है ना कि स्पेस अलॉटमेंट। ओके, अब टाइम डिविजन स्विचिंग को फर्दर डिवाइड किया है डिजिटल स्विचिंग एंड एनालॉग स्विचिंग। तो डिजिटल और एनालॉग स्विचिंग, एनालॉग आपको पता है स्टूडेंट्स, एनालॉग में क्या होता है कि जो आप सैंपल्स भेज रहे हैं वोल्टेज के, जैसे उनकी सैंपलिंग की है वैसे के वैसे उनको आगे भेज दो, उसको आपको कोड नहीं बनाना है, जैसे आपने वोल्टेज लेवल्स की सैंपलिंग की है एज इट इज उसको भेज दो, दैट इज कॉल्ड एनालॉग स्विचिंग। जबकि डिजिटल स्विचिंग में स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप उसकी कोडिंग करेंगे, कोडिंग करके उसके कोड्स जो होते हैं वो आप ट्रांसमिट करेंगे, ना कि पूरा का पूरा जो आपने सैंपलिंग करके वो लेवल्स थे वो ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, एनालॉग एंड डिजिटल इज क्लियर। अब डिजिटल स्विचिंग है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है तीन टाइप्स में, स्पेस स्विचिंग, टाइम स्विचिंग एंड कॉम्बिनेशन स्विचिंग। आपको ऊपर जो मैंने बताया था स्पेस डिविजन स्विचिंग एंड टाइम डिविजन, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, हम फर्दर डिविजन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं यहाँ पे। तो पहले आपकी लाइन थी उसको फिक्स पाथ दिया तो स्पेस डिविजन, फिक्स पाथ नहीं दिया तो टाइम डिविजन, फिर डेटा आपका कैसे जा रहा है, पूरी की पूरी वैल्यू जा रही है तो एनालॉग, अगर कोडेड कोड्स बना के आप ट्रांसफर कर रहे हो तो दैट इज डिजिटल। डिजिटल स्विचिंग को आप फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं स्पेस स्विच, टाइम स्विच एंड कॉम्बिनेशन स्विच। अब देखिए स्पेस स्विच में क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने डिजिटल है तो कोड्स तो बना दिए, एनालॉग को आपने डिजिटल में चेंज कर दिया। ओके, कोड्स बना दिए आपके स्पीच सैंपल के, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, उन कोड्स को फिक्स टाइम ड्यूरेशन में सेंड कर रहे हैं इनपुट से आउटपुट पे। स्पेस का मतलब ये है कि फिक्स स्पेस आपने एलोकेट कर दी, जो कोडेड वैल्यूज है उनको आप ट्रांसफर कर रहे हैं सेम टाइम इंटरवल में, कहां से, इनपुट से आउटपुट पे। द कोडेड वैल्यूज आर ट्रांसफर्ड ड्यूरिंग द सेम टाइम इंटरवल फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट।
ठीक है। अब टाइम स्विचिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, अगर आपने वैल्यूज को स्टोर करके रख लिया और जब आपकी मर्जी है तब भेजो आप उसको, फिक्स नहीं है कि आपने उसी टाइम ड्यूरेशन में भेजना है। आपने वैल्यूज को स्टोर कर लिया और अब जब चाहे आप उनको आगे सेंड कर सकते हो। तो वैल्यूज आर स्टोर्ड एंड ट्रांसफर टू द आउटपुट एट अ टाइम इंटरवल, जिस टाइम में आप भेजना चाहते हैं, जब आपकी लाइन्स फ्री हो, जब आप भेजना चाहते हैं तब आप भेज सकते हैं। ये हो जाएगी आपकी टाइम स्विचिंग, ठीक है। अब है लास्ट कॉम्बिनेशन स्विच। जब आप दोनों चीजों की हेल्प ले रहे हैं, कॉम्बिनेशन स्विच मीन्स जब आप दोनों चीजों की हेल्प ले रहे हैं, स्पेस स्विचिंग भी यूज कर रहे हैं उसमें, कि कभी कभी आप कोडेड वैल्यूज को फिक्स टाइम इंटरवल में भेज रहे हैं, कभी कभी आप क्या कर रहे हैं वैल्यूज को स्टोर भी कर रहे हैं और आउटपुट को जब चाहे भेज रहे हैं। आपने ऐसा हार्डवेयर डिजाइन किया आपने कि उसमें दोनों फीचर्स पॉसिबल है, स्पेस स्विच भी पॉसिबल है, टाइम स्विच भी पॉसिबल है, तो ऐसे स्विच को हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन स्विच। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको स्विचिंग सिस्टम का क्लासिफिकेशन अच्छे से क्लियर है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको ये डायग्राम बनाना है और स्टेप बाय स्टेप्स के अंदर समझना है कि कब क्या हो रहा है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको स्पेस डिवीजन स्विचिंग एंड डिजिटल में जो स्पेस स्विच में पढ़ा रही हूँ उससे कंफ्यूज नहीं हो रहा है, ये सेम चीजें नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑटोमेटिक एक्सचेंज में अलग अलग तरह की जो सिग्नलिंग टोन्स यूज होती है ना, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।